नमस्कार, मैं हूं बिट्टू राजपूत और आप देख रहे हैं सेकंड न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से सभी वयस्कों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। देखा जाए तो यह कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण होगा। बता दें कि देश में कोवैक्सीन या कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से कई बार बताया जा चुका है कि वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जानी है, तो ऐसे में एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। सरकार ने पर्याप्त स्टॉक को लेकर आश्वस्त किया है, जरूरत और मांग के मुताबिक वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। बहरहाल आइए जानते हैं कि अगर आप भी कोरोना वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो आपको कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले सवाल उठता है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में www.selfregistration.covin.gov.in पर लॉगिन करें। यहां आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल के जरिए निर्धारित समय सीमा में आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एक मोबाइल फोन से अधिकतम 4 लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके तो क्या करना होगा। तो बहुत सारे लोग डिजिटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, ऐसे में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए मुश्किल होता है। आप चाहे तो किसी साइबर कैफे की मदद ले सकते हैं, वहाँ कुछ नॉमिनल चार्ज में आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ऐसा संभव ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरा सवाल ये है, क्या एक ही वैक्सीन की डोज लेना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल यह जरूरी होगा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से जिस वैक्सीन की पहली डोज ली है, दूसरी डोज भी उसी की ले। कोविन सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन सेंटरों की सूची दिखाएगा यहाँ वैक्सीन उपलब्ध है। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोविन पोर्टल पर बदलाव के विकल्प भी होते हैं क्या। तो आपको बता दें, एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप सुविधा के हिसाब से उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो उसे रद्द भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी शहर में वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो दूसरी डोज के लिए सेंटर भी चुन सकते हैं। पांचवा सवाल है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। तो आपको बता दें, वैक्सीन की डोज लेने वाले लोगों को प्रमाण के तौर पर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। पोर्टल पर बने आपके अकाउंट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के समय आपने अपनी जो भी डिटेल, नाम, उम्र और लिंक की जानकारी भरी थी, वह सेव रहेगी। उसी के आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में यह बड़े काम की चीज होती है। इसी के आधार पर कई देशों में एंट्री मिलती है। तो 1 मई से 18 साल से ऊपर के व्यक्ति भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई सही जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। सेकंड न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।